चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं आइसोमर्स को। पिछले क्लास में हमने देखा था नोमेनक्लेचर, हमने देखा था अल्केन की जो नोमेनक्लेचर होती है, ब्रांच वाले जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उसकी नोमेनक्लेचर को हमने देखा था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे आइसोमर्स को। ये हमारा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं आज के ट्यूटोरियल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आइसोमर्स होता क्या है, आइसोमर्स कहते किसको है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द, यहाँ देखिए हमने हाईलाइट किया है, हैविंग द सेम मॉलिकुलर फार्मूला, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो दो कंपाउंड, हम एक कंपाउंड लेते हैं C2H6, मैं ये कंपाउंड लेता हूँ, इसका नाम क्या है आप बताइए। अब अगर मैं इसकी नेमिंग पूछूं आपसे तो यहाँ पर आपको जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, CnH2n+2 पे ये सेट कर रहा है। मतलब जितना कार्बन कंपाउंड है, जितना कार्बन का संख्या है, उसके दुगना का दो ज्यादा क्या है हमारा हाइड्रोजन है। मतलब दो का दुगना कितना, चार, चार का दो ज्यादा कितना, तो छः। यानी कि ये अल्केन ग्रुप का है, कौन से ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का है। अल्केन में भी कौन सा है, तो दो, तो दो किसके लिए होता है, इथ होता है, यानी कि इथ तो है ही, अल्केन का है तो इथेन है, क्या है, इथेन है। तो यही C2H6 जो है इसका स्ट्रक्चर आप, ये मॉलिकुलर फॉर्म होता है इसका सेम होगा, लेकिन जब यही कई फॉर्म में पाया जाएगा इसके स्ट्रक्चर अलग अलग पाए जाएंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे आपस में, ये क्या है, आइसोमर्स है ना। तो आइसोमेरिज्म भी आपको कहीं कई बार टर्म मिल जाता है कि आइसोमेरिज्म क्या है। तो ये जो नेचर है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाने वाला या डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होना, ये जो नेचर है यही कहलाता है आइसोमेरिज्म। क्या कहलाता है, ये आइसोमेरिज्म कहलाता है। और आइसोमर्स क्या कहलाता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उसको आइसोमर्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर पर स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किसी एक कार्बन कंपाउंड की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो कौन कौन सी पॉसिबल होती है और कौन कौन सी पाई जाती है। नीचे आप यहाँ पे एक टेबल देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का जो टोटल नंबर पॉसिबल आइसोमर्स है वो दो है, पेंटेन का तीन है और हेक्सेन का पाँच है। तो ऐसा नहीं कि ये सेम मिलेगा, दो है तो सारे के लिए दो, तीन है तो सारे के लिए तीन, नहीं, ये अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग पाए जा सकते हैं। मतलब हेक्सेन में नंबर ऑफ ऐसा होता क्यों, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स जो होता है, सॉरी कार्बन एटम जो है, यहाँ पे ब्यूटेन में चार होते हैं, पेंटेन में पांच होते हैं और हेक्सेन में छह होते हैं। तो जिस जिस तरह से हमारा क्या हो, कार्बन कंपाउंड मतलब कार्बन एटम्स जैसे जैसे हमारा बढ़ता जाएगा, तो पॉसिबिलिटीज जो होता है स्ट्रक्चर को डिफर करने की पॉसिबिलिटीज वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या होते हैं, मिलने लगते हैं, बोल सकते हैं कि इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स मिलने लगते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसको थोड़ा सा और सेकंड वाला, ये पहला वाला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा, सेकंड वाले को देखते हैं कि बोलता है आइसोमेरिज्म पॉसिबल ओनली विद द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट लियो, कि तीन या तीन से ज़्यादा या क्या हाइड्रोकार्बन हैविंग द फोर और मोर कार्बन एटम्स, मतलब तीन से कम अगर है, तीन है, दो है, एक है कार्बन एटम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव वन टू और थ्री एटम ऑफ कार्बन, देन देर इज नो एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ मेकिंग आइसोमेरिज्म। मतलब आइसोमेरिज्म वहाँ पे नहीं हो सकता है और आइसोमर्स वहाँ पे क्रिएट नहीं हो सकता, आइसोमर्स वहाँ पे नहीं बनेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वन टू और थ्री जो होता है ये इनसफिशियंट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनसफिशियंट कार्बन एटम होता है किसी स्ट्रक्चर को डेवलप कराने के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, पॉसिबल ही नहीं है आइसोमर्स बनना। वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली विथ हाइड्रोकार्बन हैविंग फोर और मोर कार्बन एटम्स, मतलब चार कार्बन एटम होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब चार हो, पांच हो, छह हो, या इससे ज्यादा कितना भी जाए तो ये बन सकता है, ये सही है हमारा, ठीक है। तो भाई अगर देखें तो मिथेन यहाँ पे पॉसिबल किस में नहीं होगा, तो मिथेन में नहीं होगा कि एक कार्बन होता है, इथेन में दो कार्बन और प्रोपेन में तीन कार्बन, तो इन तीनों में पॉसिबल नहीं होगा, मिथेन में, इथेन में और प्रोपेन में, ये क्या है, पॉसिबल नहीं होगा आइसोमर्स बनना। मतलब इसके डिफरेंट फॉर्म्स नहीं पाए जाएंगे, इसका एक ही फॉर्म्स पाया जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म्स उसी को बोलेंगे, इसका कोई भी आइसोमर्स मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इसके नहीं मिलेंगे, ओनली वन स्ट्रक्चर्स, मिथेन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर्स, इथेन हैज ओनली वन स्ट्रक्चर्स एंड एज वेल एज प्रोपेन हैज हैव ओनली वन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग देख लेते हैं ब्यूटेन को, ठीक है। ब्यूटेन के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए ब्यूटेन में कितना आपको आइसोमर्स पाया जाएगा, तो दो। अब कैसे पाया जाता है वो देखिए, तो ब्यूटेन का जो नॉर्मल चेन होता है वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन एटम। अब देखिए ब्यूटेन जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा,
तो ब्यूट का मतलब पहले वाले ब्यूट से आप समझ जाएंगे कि ये चार कार्बन एटम है। एन का मतलब है कि ये अल्केन ग्रुप का है, मतलब यहाँ पे अल्केन ग्रुप कहने का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। अल्केन ग्रुप कहने का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो मतलब चार कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो चार कार्बन एटम के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड दे दिया, अब जो जगह बच गया उसको किससे भर दीजिए, हाइड्रोजन से भर दीजिए। यही हमारा क्या है, ब्यूटेन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम क्या है, एन ब्यूटेन, पिछले क्लास में हमने देखा था। अब इसका एक स्ट्रक्चर तो आपको ये वाला मिला, दूसरे स्ट्रक्चर को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कार्बन एटम, दूसरा और तीसरा कार्बन, तीन कार्बन एटम को हमने सीधा ले लिया और चौथे को हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। तो ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है कि नहीं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जो अरेंजमेंट होगा उसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, उसी तरीके से यहाँ 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 और यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला ही क्या होता है, C4H10, C4H10। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन यहाँ भी, 10 हाइड्रोजन यहाँ भी। इसी को हम लोग बोलते हैं आइसो ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। ये हमारा क्या है, दूसरा आइसोमर्स है। तो पहला स्ट्रक्चर ये हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया ना। तो देख रहे हैं ना स्ट्रक्चर में क्या है, अंतर है लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर भी C4H10 है, ये कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, यहाँ पर भी C4H10 कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। मॉलिकुलर फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं आता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और याद रखिए, यहाँ पर मगर हाइड्रोजन प्लेस करें इस तरीके से, मैं करके दिखा देता हूँ आपको इस वाले के लिए, अल्लाह फाइंड इस वाले। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, सेम है। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास CH3 है, ये हमारे पास CH3 है कि नहीं। और ये क्या है, CH है, एक सी बच गया और एक क्या बच गया, एच बच गया। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप बताइए कोई तीसरा पॉसिबिलिटीज है, अगर मैं कार्बन एटम को, दो कार्बन एटम को यहाँ पे सजा दूं, और कोई तीसरा पॉसिबिलिटीज आप बताइए कि जिससे हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर बन जाए। इस वाले कार्बन एटम को अगर यहाँ सजा देते हैं, यहाँ से हटा के यहाँ पे कर देते हैं, तो स्ट्रेट चेन ही तो हो गया ही, स्ट्रेट चेन हो गया। क्यों हो गया स्ट्रेट चेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तीन हाइड्रोजन खाली, यहाँ पे कितना है, दो, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन, फिर वही स्ट्रक्चर हो गया। इसका पोजीशन भले आपने बदल दिया लेकिन स्ट्रक्चर तो वही है जो हमारा नॉर्मल पेंटेन, इन पेंटेन वाला, ये वाला स्ट्रक्चर आ गया इसका। उसी तरीके से यहाँ 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 कर दें और इसी के नीचे यहाँ पर लगा दें, तो सेम स्ट्रक्चर फिर से हो गया, ये भी इसी का स्ट्रक्चर है। तो नहीं पॉसिबल है, मतलब दो हमारे पास क्या होगा, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पाया जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा हम लोग देख लेते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन को। ठीक है, आइसोमर्स हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली अभी हमने ब्यूटेन को देखा, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब जैसे ही हमने यहाँ पर पेंटेन लिखा तो यहाँ से दो चीज होगा, एक होगा पेंट और दूसरा होगा एन। पेंट का मतलब हो गया 5, एन का मतलब हो गया कि अल्केन ग्रुप का है, अल्केन का मतलब क्या हो गया कि ये सिंगल बॉन्ड वाला है, कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा ये। यानी कि हम क्या करते हैं, सबसे पहला और प्लेन स्ट्रक्चर जो सबसे इजी स्ट्रक्चर, उसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन और 5 कार्बन। इस तरीके से कार्बन कार्बन अटैच होगा सिंगल बॉन्ड से। अभी सिंगल बॉन्ड कैसे पता चला, यहाँ पर एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब क्या है, ये अल्केन ग्रुप का है, अल्केन ग्रुप का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पे। तो देख रहे हैं आप, नाम से भी क्या कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में, कि इसका केमिकल कंपोजिशन कैसा होगा और किस तरीके से अरेंजमेंट होगा हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर एक इस वाले लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट मोस्ट जो कार्बन है, इसका एक बॉन्ड अटैच है, बिजी है, इंगेज है दूसरे वाले कार्बन से, सेकेंड वाले कार्बन से, तो बच जाता है यहाँ पर तीन, तीन इलेक्ट्रॉन, मतलब तीन बॉन्ड ये बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा, दो ये बनाएगा। तो ये क्यों बनाया, क्योंकि दो इधर बिजी है, लास्ट वाले का एक बिजी है, तो तीन यहाँ पर बनाएगा। अब आप काउंट करके देख लीजिए, एक दो तीन
चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मतलब C5 H12 इसका क्या है फॉर्मूला है। वैसे भी अगर जनरल फॉर्मूला की बात करें, हम लोग जनरल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए किसका, ऑफ अल्केन। बार बार इसको रिकॉल कराता हूँ ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए। तो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब कार्बन का एटम जितना होगा हाइड्रोजन का एटम दुगना का दो ज्यादा होगा, तो 5 है, 5 का दुगना 10, और 10 का दो ज्यादा कितना 12, मतलब C5H12। वैसे भी हमको यहाँ पे मिल रहा है, तो पहला स्ट्रक्चर तो ये बन गया हमारा, ठीक है। दूसरे स्ट्रक्चर में वेरिएशंस करते जाइए, देखिए कौन सा स्ट्रक्चर मिलता है। तो दूसरे स्ट्रक्चर में हम कार्बन को लेते हैं, एक दो तीन चार कार्बन को हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। और पांचवें कार्बन को हम क्या करते हैं, या तो यहाँ पे अटैच करते हैं या फिर यहाँ पे करते हैं, दोनों एक ही बात होगा। चलिए यहाँ पर अटैच कर देते हैं पांचवें कार्बन को, तो ये रहा हमारे पास पांचवा कार्बन। और हाइड्रोजन को हम दूसरे कलर से दिखा लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं, या फिर आप रेड ले लीजिए। देखिए अब हाइड्रोजन के लिए कौन सा जगह होगा, एक बॉन्ड अटैच है लेफ्ट मोस्ट कार्बन का, तीन खाली है इधर, इस वाले के लिए तीन, ये क्या है, ये देखिए एक दो तीन, इस वाले कार्बन के लिए, इस वाले के लिए, इस वाले कार्बन के लिए एक दो तीन, बीसी है तो एक खाली, इस वाले के लिए दो है दो खाली, इस वाले के लिए एक है तो तीन खाली, यहाँ पर एक है तो तीन खाली। अब काउंट कर लीजिए, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच छ, ये सात, ये आठ, ये नौ, ये दस, ये ग्यारह, और यहाँ पर एक बारह, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मिला हमको, वैसे नॉमेनक्लेचर में ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके थे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये पॉसिबल है, अगर आप कहिएगा कि इस स्ट्रक्चर को ऐसे कर सकते थे, वन टू थ्री फोर चार कार्बन एटम को रखते, यहाँ ना अटैच करके यहाँ कर देते, तो यहाँ ना अटैच करके यहाँ पे कर देते तो बात ये क्या हो जाता, सेम हो जाता है स्ट्रक्चर। क्यों क्यों सेम होता, अगर इसको फ्लिप करते हम लोग हॉरिजेंटली तो यही सेम स्ट्रक्चर हमको मिलता। आप इसको ऐसे फ्लिप कीजिए हॉरिजेंटली, फ्लिप अगर कर दे हॉरिजेंटली, इसको फ्लिप कर दे तो यही स्ट्रक्चर हमको मिलने वाला है। तो इसका तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, सेम, ठीक है। नेमिंग भी सेम आएगा, अगर नेमिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है मिथाइल ग्रुप ये वाला। अगर यहाँ पे करेंगे, इधर से करेंगे काउंट, क्योंकि हमारा मिथाइल ग्रुप यहाँ पे मिलेगा नजदीक, तो वन टू थ्री फोर, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पे आएगा हमारा मिथाइल। तो नेम सेम है, इसका मतलब क्या है, ये स्ट्रक्चर सेम है। चलिए दूसरा तो हो गया, तीसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, नहीं आया समझ में कमेंट तुरंत कीजिए, कमेंट में पूछिए तुरंत। अब हम बात करते हैं, एक कार्बन दो कार्बन और तीन कार्बन को इस तरीके से रखते हैं, चौथे और पांचवे कार्बन को हम लोग यहाँ पर अटैच कर देते हैं, यहाँ पे कार्बन यहाँ पे करते हैं, ये स्ट्रक्चर हो सकता है डिफरेंट, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन को अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो हाइड्रोजन हमारा फिर से काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीन हाइड्रोजन यहाँ, तीन हाइड्रोजन यहाँ, तीन यहाँ और तीन यहाँ, तीन चौके कितना हो गया, बारह, बारह हाइड्रोजन है, C5H12 भी तो है हमारे पास, यही तो हमारा पेंटेन, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है। अब देखिए नेमिंग की अगर बात करें तो इस वाले का नाम बताइए, पहले वाले का क्या है, तो आपको आसानी से पता है कि ये पेंटेन है हमारा, क्या है, पेंटेन है। इसी का कॉमन नेम एन पेंटेन हम लोग बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, एन पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन बोलते थे। ये वाला क्या है, तो वन टू टू मिथाइल, मिथाइल ग्रुप किस पे है, टू वाले कार्बन पे, तो टू मिथाइल। अब इस वाले में कितना कार्बन है ये काउंट करेंगे, पेरेंट हाइड्रो पेरेंट चेन में, ये क्या है, ये पेरेंट चेन है, पेरेंट कार्बन चेन है, ये पेरेंट कार्बन चेन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, चार है, ब्यूटेन होगा ये, मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं आइसो पेंटेन, कॉमन नेम क्या होता है, आइसो पेंटेन होता है, क्या होता है कॉमन नेम, आइसो पेंटेन, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये बताइए क्या है, ये सबसे लंबा चेन आपको मिला कार्बन का, तो आप इधर इधर से काउंट कर लो, लेफ्ट से
लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 मिलेगा, राइट से करोगे तो 1 2 3, मतलब 2 वाले पे ही आएगा दोनों। मिथाइल ग्रुप कहाँ आएगा, 2 पे, तो 2,2, मिथाइल 2 है तो डाई मिथाइल। अब पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा कि ब्यूटेन होगा ये बताइए। तो यहाँ पे होगा प्रोपेन, क्योंकि 3 है यहाँ पे, ना पेंटेन होगा ना हेक्सेन होगा ना ब्यूटेन होगा, यहाँ पे होगा प्रोपेन, क्योंकि ये जो पेरेंट कार्बन चेन है ये वाला, इसमें 3 ही कार्बन है, तो इसको और इसको हमको तो काउंट नहीं करना है इसमें, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, आईपेक नेम हो गया डाई मिथाइल प्रोपेन। इसी को कॉमन नेम जो होता है वो होता है नियो पेंटेन। क्या होता है, नियो पेंटेन। तो इसको याद रख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ क्या कीजिए, IUPAC नेम को याद रखिए। तो देख रहे हैं ना, पेंटेन का हमारे पास कितने स्ट्रक्चर है, तो 3 स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं, पेंटेन आपको खूब समझ में आ गया। अब उसी तरीके से हेक्सेन को अगर कीजिएगा तो देखिए, हेक्सेन का फॉर्मूला आप बताइए। हेक्सेन अल्केन ग्रुप है, मतलब C6H कितना होगा, 6 दूनी 12 और 2 14, यही होगा। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से होगा। एक तो स्ट्रक्चर इसका जो बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, कार्बन 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 कार्बन, मतलब 6 कार्बन इस तरीके से अटैच रहेगा हाइड्रोजन इसके। तो हाइड्रोजन को दूसरे कलर से दिखा देता हूँ, एक दो तीन, एक दो तीन, इस तरीके से हाइड्रोजन होगा। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है। तो ये सिंपल नेम है इसका, हेक्सेन, क्योंकि ये सीधा वाला है, स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। एन हेक्सेन इसका क्या हो जाएगा, कॉमन नेम हो जाएगा, आपको बताए थे पिछले क्लास में। पहला स्ट्रक्चर तो ये। दूसरे स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 5 यहाँ पे कर देते हैं, छठे को यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर इसको क्या बोलेंगे बताइए, अगर यहाँ से काउंट करें, ये वाला सबसे लंबा चेन है, 1 2 3 4 5, लेफ्ट से नजदीक पड़ रहा है 2 पे आएगा, 2 डैश मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है, तो 2 पे कौन है, मिथाइल ग्रुप। पहले हमने बताया था कि नंबरिंग पोजीशन को लिखिए, फिर मिथाइल ग्रुप लिखिए, और उसके बाद क्या लिखिए, पेरेंट का हाइड्रोकार्बन, पेरेंट चेन जो है उसका नाम लिखिए। तो 1 2 3 4 5 पेंटेन है, तो मिथाइल पेंटेन ये हमारा इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, थर्ड अरेंजमेंट की अगर बात करें तो कार्बन 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 4 को यहाँ ले लीजिए, एक कार्बन को यहाँ अटैच कर दीजिए, दूसरे कार्बन को यहाँ अटैच कर दीजिए या फिर नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर देखिए एक ट्विस्ट है, आपको समझना होगा कि लेफ्ट से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, तो सबसे लंबा चेन यही मिलेगा ये वाला, लेकिन राइट से अगर काउंट करते हैं इधर इस तरफ तो 1 2 3 4, मतलब इधर से लेफ्ट से भी काउंट करें तो 2 और 4 पे, तो सॉरी 2 और 3 पे हमारा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, इधर से काउंट करें तो भी 2 और 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो आप दोनों तरफ से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, तो 2 पे और 3 पे कौन है, मिथाइल, लेकिन 2 मिथाइल है तो यहाँ पे डाई मिथाइल आपको लिखना पड़ेगा, डाई मिथाइल। 1 2 3 4 ब्यूटेन, डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, ये आईपेक नेम, IUPAC नेम हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कार्बन लेंगे हम लोग, 2 3 और 4 कार्बन यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर 1 कार्बन को अटैच करेंगे। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, चौथा स्ट्रक्चर हमारा हो सकता है। नेमिंग की अगर बात करें तो लंबा कार्बन चेन यही वाला है, तो 1 2 3 4 इधर से नजदीक पड़ रहा है हमारा मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर लिख सकते हैं 2,2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। 1 2 3 4 कार्बन एटम है तो यहाँ पे ब्यूटेन लिख सकते हैं, डाई मिथाइल। तो ये भी क्या है, पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से आप ढेर सारों क्या कर सकते हैं, आइसोमर, आइसोमर्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज को। ठीक है गाइस, तो होमोलोगस सीरीज में कहता है कि द होमोलोगस सीरीज ए ग्रुप ऑफ इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड
हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, क्या है? सिमिलर स्ट्रक्चर किसका? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, और इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सिमिलर होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है इनकी, सिमिलर होती है, सिमिलर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सक्सेसिव एलिमेंट होता है, सॉरी सक्सेसिव कंपाउंड जो होता है, सक्सेसिव कंपाउंड जो होता है वो प्रीवियस कंपाउंड से डिफर कर जाता है, CH2 से, कितने से, CH2। अब इस चीज को समझने के लिए मैं फिर से बताता हूँ आपको कि होमोलोगस सीरीज जो होता है, सीरीज ऑफ कंपाउंड है, मतलब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरीके से कंपाउंड है। अब ये सारे कंपाउंड जो है आपस में, ये सारे कंपाउंड आपस में सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसका भी सिमिलर, इसका भी सिमिलर, इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका सिमिलर स्ट्रक्चर है। केमिकल प्रॉपर्टीज भी इसकी क्या है, सिमिलर है, सारे की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, सिमिलर है। लेकिन बात करते हैं कि इस वाले सक्सेसिव, इस वाले और इस वाले में कंपेयर करते हैं, तो यहाँ इससे इसकी जो मॉलिक्यूल्स है वो CH2 कम होती है। मतलब इन दोनों का अंतर कितना आता है, CH2, मतलब कार्बन के मॉलिक्यूल में कितना अंतर आता है, कार्बन के एटम में अंतर आता है, एक कार्बन एटम, मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम की बात करें, कार्बन एटम, तो उसका डिफरेंस कितना आता है, तो एक कार्बन एटम का डिफरेंस आ जाता है। उसी तरीके से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करें, तो इसका जो अंतर है वो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, तभी तो ये CH2 बनता है। CH2 से हमेशा क्या होता है, डिफर करता है। आप कोई भी कंपाउंड लीजिए सक्सेसिव, जैसे ये वाला सक्सेसिव लेते हैं, इसको, इसका और इसका अंतर जो होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जो हमारा अंतर आ जाएगा वो कितना है, CH2 आएगा। मतलब यहाँ पर भी अंतर कितना हुआ, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का, इसमें से इसको घटाएंगे तो एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर, मतलब CH2 से हमेशा क्या करते हैं, डिफर करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं, यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो इसको देखते हैं, अल्केन में अगर बात करें तो अल्केन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वह CnH2n+2 होता है, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मीथेन की बात की गई है, इथेन की बात की, प्रोपेन ब्यूटेन की, ब्यूटेन में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 4 है, 4 है, C4 लेते हैं तो दुगना का 2 ज़्यादा, 4 का दुगना कितना, 8, 8 का 2 ज़्यादा कितना, 10, C4H10, तो यहाँ पर देखिए C4H10 हमारा है, अल्केन है। अब देखिए हम बात करते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन में, ये अंतर निकालते हैं इन दोनों में, C4H10 यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन, प्रोपेन का कितना है, C3H8, तो यहाँ पर देखिए 4 कार्बन एटम है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम यहाँ पर कम, और 10 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और 8 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन 2 कम यहाँ पर, तो इन दोनों का अंतर कितना आया, CH2 आया। उसी तरीके से इस वाले में इसको घटाइए, CH2, यहाँ से इसका अंतर देखिए, CH2, उसी तरीके से यहाँ से इसका अंतर देखिए, CH2। देखिए 5 में से 4 गया, पेंटेन में से ब्यूटेन को कीजिए, इसमें से हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं, इस वाले में से, पेंटेन में से, उसमें यहाँ पर लिखता हूँ कि पेंटेन में से हम क्या करते हैं, घटाते हैं किसको, ब्यूटेन को। घटाने का मतलब अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, वी आर बेसिकली फाइंडिंग द डिफरेंस। पेंटेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो 5 है यहाँ पर और 4 है यहाँ पे, तो 5 और 4, मतलब एक कार्बन एटम यहाँ पे कम है, और हाइड्रोजन एटम 12 है, 10 है, मतलब दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कम है। देखिए हर एक का अंतर आपको CH2 मिले, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप लिख सकते हैं कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट द सक्सेसिव एलिमेंट्स एटम्स डिफर बाय CH2 नंबर ऑफ एटम्स, मतलब यहाँ पे कार्बन कितना, 1, और हाइड्रोजन कितना, 2, ये चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज तीनों में होता है। अब देखिए अब बात करते हैं आइसोमर्स में, यहाँ पे अल्कीन में बात करते हैं, हमने बात किया अल्कीन में बात करते हैं, अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n,
यहाँ पर देखिए पेंटेन की अगर बात करते हैं, पेंटेन को ही लेते हैं, तो पेंटेन मेन इज इक्वल टू 5 C5 H10, दोगुना कर दीजिए सीधा, C5 H10, C6 H12, C4 H8, C3 H6। इथेन की बात करें तो C2 H4, प्रोपेन की बात करें C3 H6। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर आप घटाइए, इन दोनों का अंतर देखिए, इन दोनों का सक्सेसिव में से घटाइए, पहले वाले को सक्सेसिव कौन सा है, ये आगे वाला ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में से घटाइएगा, कार्बन 4 है वहाँ कार्बन 3 है, तो एक कार्बन का अंतर आ गया, कार्बन 8 है कार्बन 6 है, मतलब दो हाइड्रोजन का अंतर आ गया। देख रहे ना हर एक में क्या है, CH2 ही मिलेगा आपको, ये आप करके देखिए। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, अल्काइन है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। अगर हम यहाँ पे हेक्सेन को लेते हैं पांचवे नंबर पे, हेक्सेन को तो एन इज इक्वल टू कितना होता है, 6 C6H10, क्यों, दुगुना का दो कम, 6 का दुगुना 12, 12 का दो कम कितना 10, यहाँ पे देखिए C6H10। पेंटेन 5, 5 का दुगुना 10, 10 से दो कम 8, 4 का दुगुना 8, 8 से दो कम 6, 3 का दुगुना 6, 6 का दो कम 4, 2 का दुगुना 4, 4 का दो। अब इसमें से भी आप सक्सेसिव वाले में से इसको घटाइए, मतलब हेक्सेन में से आप क्या कीजिए, हेक्साइन में से क्या कीजिए, पेंटाइन को घटाइए, इसमें से हेक्साइन में से पेंटाइन को घटाइए, तो हेक्साइन में कितना है, कार्बन 6 है उसमें 5 है, तो एक कार्बन का अंतर आ गया, हेक्साइन में 10 हाइड्रोजन है और उसमें पेंटाइन में कितना है, 8 है, मतलब दो हाइड्रोजन, यहाँ भी CH2 का अंतर, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2, यही क्या है बेसिकली हमारा होमोलोगस सीरीज। अब दरअसल बात करते हैं हम इसके प्रॉपर्टीज के बारे में कि किसी भी होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। हमने बताया कि केमिकली ये क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं सारा, मतलब अल्केन ग्रुप है तो एक ही तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, ऑल कंपाउंड्स ऑफ अल्केन सीरीज मीथेन इथेन प्रोपेन अंडर वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद क्लोरीन। तो देखो यहाँ पर इसको समझो, क्लोरीन के साथ ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो जैसे मैं बात करता हूँ आपको मीथेन की बात करते हैं CH4, ठीक है, क्या है मीथेन है हमारा, अब फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, एक लिया यहाँ पे तो 4 हमारा क्या हाइड्रोजन, ये चीज आपको समझ में आ गया। लेकिन जब क्लोरीन इसके साथ, देखिए क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया, इसको हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं, हमने बताया था आपको हाइड्रोजन फैमिली ये कहलाता है। अब ये देखिए CH3Cl, इसी को बोलते हैं क्लोरो, ये कौन सा हमने लिया था, मीथेन लिया था, तो क्लोरो मीथेन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्लोरो मीथेन। इसी तरीके से C2H6 होता है, लेकिन C2H5Cl, क्योंकि एक हाइड्रोजन को हटाएगा तभी क्लोरीन जाके यहाँ पे बैठेगा, इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर लिखा है अंडर गोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला लाइन देखिए, अंडर गोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सब्स्टिट्यूट कर देता है, C2H5Cl, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरो इथेन। क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दिया, होना क्या चाहिए था C2H6, लेकिन H6 में से हाइड्रोजन को हटाया, क्लोरीन खुद बैठ गया, इसी को सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो ये वाला प्रॉपर्टी जो होता है वो मीथेन भी दिखाएगा, इथेन भी, प्रोपेन भी, ब्यूटेन भी, हेक्सेन भी, हेप्टेन भी, सारा दिखाएगा। पहला प्रॉपर्टी तो होमोलोगस सीरीज का ही है। दूसरा कहता है ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। आप ये वाला फार्मूला का यूज करके आप दिखा सकते हैं, जैसे बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ अल्केन सीरीज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्केन को हम इससे दिखाते हैं, अल्कीन को दिखाने के लिए CnH2n और अल्काइन को दिखाने के लिए CnH2n-2 इससे दिखा देते हैं। बताइए जितना भी है हमारा कंपाउंड इस एक सीरीज में, उसको एक ही फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ये भी प्रॉपर्टी किसकी है, होमोलोगस सीरीज की। द डिफरेंस इन द मॉलिकुलर मास ऑफ एनी एडजेस्टेंट होमोलोगस इज इतना। अब देखिए 14 यू कैसे होता है, हमने बताया था कि होमोलोगस सीरीज हमेशा CH2 से डिफर करती है, किससे डिफर करती है, CH2 से। तो कार्बन का एटॉमिक मास जो होता है वो 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 है तो कार्बन का 12 होगा एटॉमिक मास, एक कार्बन है तो 12 और दो हाइड्रोजन का दो एटॉमिक मास, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा, 14। और यही बोलता है कि 14 आपका क्या होगा, इसका मास होगा, बिल्कुल सिंपल समझ में आ गया होगा।
चौथा बोलता है एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस डिफर बाई वन कार्बन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम। ये तो हमने बताया ही, सी एच टू से डिफर करता है, मतलब एक कार्बन और दो हाइड्रोजन इसमें होता है, बिल्कुल वही बात है। लास्ट वाला ये पांचवा है, यहाँ पे इसको सुधारिए। पांच द नंबर्स ऑफ सॉरी द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज शोज द ग्रेजुअल चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी विद इंक्रीजिंग मॉलिकुलर मास। देखिए जैसे जैसे भारी होता जाएगा ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे बात करते हैं हम लोग मीथेन की, सी एच फोर की, सी टू एच सिक्स की, सी थ्री एच एट की, सी फोर एच टेन की, सी फाइव एच ट्वेल्व की, सी सिक्स एच चौदह की। देखिए यहाँ पर क्या है, मॉलिकुलर मास बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मास कम है, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। ये क्या मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, सॉरी पेंटेन है और हेक्सेन है। यहाँ ये बढ़ता जा रहा है मास। अब जैसे जैसे मास बढ़ेगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चल जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी बढ़ेगा। ये चीज़ आपको पांचवी प्रॉपर्टी में याद रखनी है, ठीक है। देखो यहाँ तक हमने पढ़ा, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप देखना, एक वीडियो होगा और उसमें हम लोग क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग ख़त्म करेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स, इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम लोग क्या करेंगे, फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, इंजॉय करते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा इतना भी अपलोडेड कंटेंट है उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।